हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कम्युनिकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है या जब भी आपका ये एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्चुअली हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहूँगा। देखिए, यूपी का अगर आपका एग्ज़ाम है तो यूपी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन सबसे वो पक्का पूछेगा। तो इससे संबंधित एक बुक है जो आप सामने देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश लुसेंट की बुक है। आप इस बुक को एक बार ध्यान से पढ़ना जाने से पहले, ठीक है। इस बुक के कंप्लीट वीडियो मैं फिलहाल अभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसके 6 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं और बहुत जल्दी मैं इस बुक को ख़त्म कराने जा रहा हूँ। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं वॉच करे हैं तो आप जाइए लुसेंट उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको इसके तमाम वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 30 सेप्टेम्बर। इसके बाद में मैं जल्द से जल्द इस बुक को ख़त्म कराऊँगा। अगर आप पहली बार इसको वॉच कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी यूज़फुल चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और उससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसके साथ में एक लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक आती है जो हर एग्ज़ाम में काम आती है, तो वो बुक भी आपको परचेज करनी है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको तैयारी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आपको अगर ये नहीं पता है कि कौन सी बुक परचेज करनी है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो पब्लिकेशंस है वो है लुसेंट पब्लिकेशंस। तो जीएस की आपने देखी होगी ब्लू रंग की जो बुक आती है, तो उसके तो तमाम वीडियोस पूरी बुक वो वीडियो के माध्यम से ख़त्म हो चुकी है। एक एक पेज को स्कैन करके तरीके से वो मैंने आपको समझाया है, कितना पढ़ना है, एक एक पॉइंट को, एक एक कीवर्ड को मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो जब भी आप वीडियो वॉच करेंगे, चाहे इस बुक को वॉच करेंगे वीडियो को या फिर उस बुक को वॉच करेंगे, ठीक है, तो आपको उस समय ये बुक अपने पास में जरूर रखनी है। किताब को खोल के एक एक पॉइंट को आपने अंडरलाइन करना है जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे। अगर आपको बुक परचेज नहीं करनी है, आपने ठान रखे कि बिना परचेज करे बुक को केवल यूट्यूब के माध्यम से ही अपनी स्टडी करनी है, एक सिलेक्शन लेना है, तो इसमें थोड़ा सा एक डाउट बना रहेगा आपके माइंड में। अगर ऐसा नहीं आपको लगता है कि हो जाएगा सिलेक्शन, तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा। देखिए, बस मेरा मानना यह है कि पढ़िए, आप 100% यूट्यूब के हिसाब से स्टडी करना चाहते हैं वैसे करिए, किताब को लेकर के वीडियो वॉच करके अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये डिसीजन मैंने आप पर छोड़ रखा है फिलहाल, ठीक है। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो विदाउट एनी डिले। देखिए, भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी कौन सी है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मार्टियर पुस्तक के लेखक है कुलदीप नैयर, और वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। तो वेदांत जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था उपनिषद ने। और अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ। देश का सबसे पहले सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना रानीपेट में स्थापित किया गया। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो मैंने शायद ये बात पिछले वीडियो में आपसे कही थी कि देश को आप प्लीज़ जरूर याद करके जाइएगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद है ये 24 जनवरी, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में घटित हुआ है, तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, एक मैगजीन है घटना चक्र की मैगजीन, जिसमें करंट अफेयर्स से सभी क्वेश्चन दिए गए हैं यूपी के, उसको आप देख लेना। अदरवाइज वीडियो है, आप वीडियो के माध्यम से भी उसमें स्टडी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं अपने वीडियो को ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को बिल्कुल भी वॉच मत करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिए अब, ठीक है, लेकिन पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए पढ़िए, टारगेट ये है मेरा, बताना मेरा फर्ज है, बाकी देखना देखना वो आपकी मर्जी। आगे बात करते हैं। देखिए, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था, और गजगामिनी पुस्तक के निर्देश सॉरी फिल्म के निर्देशक कौन है, ये है आपके MF हुसैन। फिर हम बात करते हैं आगे की। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासक था। दल बदल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है, तो ये आपकी भूमध्य रेखा पर। वांडी वास का युद्ध, इसको बोलते हैं वांडी वास का युद्ध, जो हुआ था वो हुआ था 1760 में। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सा गेम यहाँ पे खेला जाता है, तो वो है आपका हॉकी, और ये कहाँ पर है, ये है आपका लखनऊ में। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में कौन सी सरकार थी, तो वो थी आपकी लेबर पार्टी। विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के एक भाग का नाम है। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था, तो जापान का प्राचीन नाम क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, तो वह है आपका निप्पन। और हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। रक्त कोष में रक्त सोडियम नाइट्रेट वे डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ठगी का अंत करने का श्रेय कर्नल सिलीमैन को दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास करा, तो वो है आपके अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाले प्रथम मुगल शासक कौन था, वो था आपका जहांगीर। जहांगीर ने सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है, वो है आपके मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी आई थी, वो शायद आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ ये मूवी जरूर देखिएगा। इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशंस, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करते समय मोटिवेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है आपके ICICI। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये होते हैं 7। अभी KBC में हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर या 22 गज होती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है आपका सेल्यूलोज। अकबर के दरबार के समय प्रसिद्ध हिंदी कवि अबुल रहीम खान खाना थे। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है, और समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1978 से लेकर के 79 में प्रारंभ की गई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपको 4 देश के नाम देगा, आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे भारत में संविधान में क्या है, एकल नागरिकता है, ये कहाँ से हमने अडॉप्ट करा है, कहाँ से ये धारण करा है, कहाँ से हमने इसको गोद लिया है, तो वो है आपका ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में लोक लेखा आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 315 में। सोडियम की खोज किसने करी थी, ये करी थी आपकी हम्फ्री डेवी ने। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है आपका अपोलो 8, और ये अपोलो 8 कौन से देश ने लॉन्च करा था, ये करा था अमेरिका ने 1968 में। जय विज्ञान का नारा दिया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे हम बात करते हैं, मेट्रो टेलीविजन इंसेंट 2C से प्रसारित होता है। रेडियो नेटवर्क का प्रसारण इंसेंट 1D एवं इंसेंट 2A द्वारा प्रसारित होता है। गजलों का जनक बोलते हैं मिर्जा गालिब को, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गजलों का जनक बोलते हैं मिर्जा गालिब को। राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को कहते हैं, तो फादर ऑफ राजनीति कौन है, तो ये है आपके अरस्तु। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं मैथिली डोगरी संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद
344 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति राज्य भाषा आयोग को जो उसने गठित करी थी वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है आपका 314 से संबंधित। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन परिवार से संबंध रखती है। तमिल भाषा, तमिल जो भाषा है भारत की प्राचीनतम एवं सबसे मजबूत भाषा है। तो मोस्ट एमबी क्वेश्चंस है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो वो है आपकी तमिल। और हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है आपका पृथ्वीराज रासो। और विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा है आपका सुमेरियन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर को देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला घोषित किया गया। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल के विदेशी शासन से 1961 में मुक्ति दिलाई। भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम है आपका आर्म्ड फोर्सेस अकेडमी। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका जोधपुर में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1984 में। देखिए जिस तरह से मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ स्पीड में, क्योंकि स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन मुझे करके चलना पड़ेगा। अगर मैं स्पीड को स्लो चलता हूँ तो बच्चे बोर हो जाते हैं, अगर फास्ट लेके चलता हूँ तो सर के ऊपर से निकलता है। तो अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, क्योंकि हर इंसान के हर एक विचार अलग अलग है, कोई मेरे कंपेटेबल होगा कोई मेरे कंपेटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बस केवल यही सॉल्यूशन आपको दूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए, पेन डाउन करिए और रिविजन फाइनल अपने नोट्स से करिए। तो ये ऑप्शन शायद मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट रहेगा। अपने नोट्स बनाइए, अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो एक नोट साइड में एक A4 शीट का जो स्पाइरल बाइंडिंग का जो आता है ना, वो रजिस्टर टाइप का, वो परचेज कर लीजिए और उसमें नोट करिए क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसी अगर आपको ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें एक प्लेलिस्ट और है, वन लाइनर जीके की प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको इस तरह के तमाम वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो भी बहुत अच्छे हैं सारे के सारे, देखना एक बार हो सके तो। अगर कुछ भी नहीं करना हो ना, तो कम से कम 150 रुपये की या 120 रुपये 160 रुपये की बुक आएगी लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक की, यार उसको परचेज कर लो कम से कम। मैं परचेज के लिए फोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको अपनी पढ़ाई में, तो बुक को परचेज करिए, सिलेक्टेड बुक को, उस बुक को कम से कम 15 से 20 बार ढंग से घोट डालिए दिमाग में अपने। बाकी देखिए आपका मर्जी, सिलेक्शन आपका, सैलरी आपकी, ठीक है ना। सैलरी मुझको मिल रही है आपकी, ना ही आप सिलेक्शन का मुझको बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस तरह मैं सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं लेकिन बताते भी नहीं हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सिलेक्शन का मुझे पक्का बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। टारगेट मेरा यही है कि इस साल के अंत तक आपको किसी ना किसी कीमत पर कोई ना कोई जॉब लेनी है, तो प्लीज़ जॉब लीजिए, लेकिन तैयारी करेंगे तभी जॉब मिलेगी आपको। अब देखिए रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका न्यू दिल्ली में। सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 से 13 जनवरी को मनाया जाता है। एयर सहारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाली देश की पहली निजी विमान सेवा थी। 1929 में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ब्रिटेन और भारत के बीच में की गई थी। हेलीकॉप्टर की खोज करी थी ब्रैकेट ने, कब करी थी, 1909 में। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, इसकी खोजकर्ता का नाम भी याद रखना है और इसने खोज किसके करी थी, हेलीकॉप्टर की खोज करी थी, कब करी थी, 1909 में। अब हम बात करते हैं, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह है आपका न्यूयॉर्क नगर में। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, तो ठीक है सबसे ज़्यादा जो शिप बनते हैं वो बनते हैं आपके जापान में। भारत में प्रथम बार FM प्रसारण, जो FM होता है ना 93.5 रेड FM, ये आप देखते हैं ना 92.1, तो ये सब जो FM चैनल होते हैं इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये हुई थी चेन्नई में। तो याद रखना पहली बार FM का जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी चेन्नई में। फिर हम बात करते हैं आपसे फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना, फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी 1961 में। और फिल्म डिवीज़न की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। प्रथम भारतीय 17mm फिल्म पाकिजा है। B.R. चोपड़ा का पुराना नाम क्या है, तो इनका पुराना नाम है बलदेव राज विलायती राम चोपड़ा।
फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1953 से की गई थी और रेलवे मेल सर्विसेज RMS 1907 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के सचिव थे महादेव देसाई और हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। भारत में बने बायोगैस संयंत्र के प्रथम मॉडल को किसने तैयार किया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है KVIC मॉडल। आगे बात हम करते हैं कि तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में SO2 गैस निकलती है। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1980 में। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म है आपका पारा सीसा। ग्राम पंचायतों का चुनाव ग्राम सभा करती है, याद रखना। ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है वो कौन करता है? कंडक्ट वो करती है आपकी ग्राम सभा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1952 में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में स्थित है। भारत 1975 में वर्ल्ड कप हॉकी विजेता बना था। और भारत में पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था। विशाल समुद्री जहाज जो है टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, तो वो डूबा था आपका 1912 में। और 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, ये जॉर्ज पंचम, याद आया उसने? तो ये चीज़ें आप कनेक्ट करना सीखिए थोड़ा सा, कि उसने अनाउंसमेंट करा था कि दिल्ली जो होगी भारत की राजधानी होगी, और दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे यात्रा पर दिल्ली। आगे हम बात करते हैं, देखिए ग्राम कचहरी की व्यवस्था 1947 में की गई थी। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1653 में। J.B. मावलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। लोकसभा का पिता किसको बोलते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप शायद आपको ये आता होगा। अगर नहीं आता तो प्लीज़ इसको पेंडम कर लीजिएगा, बिना करे अगर आप एक बारी में याद कर लेते तो आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होगी, बहुत अच्छी बात है। तो आप पेंडम मत करना, कहीं नोट मत करना, बस याद कर लीजिए, टारगेट ये है। केंद्र में पहली बार चरण सिंह ने अल्पमत की सरकार का गठन किया था। भारत में सर्वाधिक हरियाणा राज्य के समस्त मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों की बहस हुई थी। संविधान का प्रारूप किस प्रकार से हो इसको लेकर के बहुत लंबी बहस चली थी। तो बहस जो चली थी उसके डेज कितने थे? उसके डेज थे आपके 114। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को विधायी शक्तियां प्रदान की गई। एक होता है आपका मुख्यमंत्री, एक होता है आपका राज्यपाल। तो राज्यपाल की जो शक्तियां निहित है वो अनुच्छेद 174 में है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु है। संसद के दोनों सदनों का 17वां राष्ट्रपति करता है। भारत के संचित निधि में धन राजस्व नया ऋण ऋणों के भुगतान से होता है। डॉक्टर VP पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए भारतीय वृक्ष पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने दूसरा स्थान पाया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक OM नाम्बियार थे। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो pH मान होता है आपका 7.4। विटामिन B2 राइबोफ्लेबिन कहलाता है। तो राइबोफ्लेबिन का सिनोनिमस क्या है? विटामिन B2। और विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन के क्या काम करता है बॉडी में? खून का थक्का जमाता है। तो कुछ विटामिन से संबंधित आपको एग्जाम में जाने से पहले ये पूरा जो चार्ट होता है, ये जो पूरा एक तरह से बुक में आपको मिल जाएगी डिटेल सारी, वो सब आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण, जो रंग जो हरा होता है उसमें क्या मौजूद होता है जिसके कारण वो पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है? तो वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। प्याज का गाद्य अंश, जो खाद्य जो अंश है जिसको हम खाते हैं, उस अंश को क्या बोलते हैं? वो होता है तना। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है आपका नाइट्रोजन। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज सेलेडीन या इस्लीडेन ने की थी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणाता जो है जॉन डाल्टन को माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा, तो ये आपका जॉन डाल्टन।
कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है आपका सीमेंट। सीमेंट किससे मिलकर बना होता है, फिर पूछता है एग्जाम में सीमेंट किसका मिश्रण है। ऑप्शन आपके सामने चार देगा, तो आपको राइट आंसर याद रखना है कैल्शियम एल्युमिनेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट। आगे हम बात करते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः कहाँ पर रखा जाता है, तो उसको सॉरी सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है, सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या है, तो वह है आपकी सोडा। एक्वा रेजिया एकमात्र अम्ल है जो स्वर्ण को घोलता है। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा फल, साइट्रिक अम्ल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है आपका जम्मू कश्मीर। न्यूटन का प्रथम नियम है आपका जड़ता का नियम। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट, एलईडी स्क्रीन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर पूछी जाएगी, तो वो है आपका लाइट एमिटिंग डायोड। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लोधी राजवंश ने दिल्ली पर 1451 से लेकर के 1526 के बीच में शासनकाल किया। सबसे लंबा शासनकाल एक्चुअली लोधी वंश का ही चला। कब से कब तक, 1451 से लेकर के 1526 तक। वर्ल्ड में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है, एग्जाम में पूछेगा आपसे भारी धातु कौन सी है, तो उसका नाम है आपका ओस्मियम। क्या है, ओस्मियम। भारत के चार कोनों में चार मठों को, भारत के चार कोने हैं तो चार कोनों में चार मठों को किसने स्थापित करा था, तो ये है आपके शंकराचार्य। टीआरपी की फुलफॉर्म क्या है, टेलीविजन रीडिंग पॉइंट। टीआरपी से काउंट होता है कि कौन सा चैनल कितने हाई रैंक पर है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य करता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। नगर किस प्रकार का होना चाहिए, घरों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, एक घर के बाद दूसरा घर होना चाहिए, कितनी गली छोड़नी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो पूरी जो नॉलेज अच्छी थी वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा संलयन प्रक्रिया से मिलती है। सूर्य को जो एनर्जी मिलती है वो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से मिलती है, तो वो मिलती है आपकी संलयन प्रक्रिया से। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला मानव नील आर्मस्ट्रांग थे। जिसने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा उसका नाम बताइए, उसका नाम है आपका नील आर्मस्ट्रांग। आगे हम बात करते हैं, देखिए उपनिषेद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो वेदांत के नाम से किसको जाना जाता है, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, तो वो है आपका उपनिषेद। ये आप याद रखना। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्राओं का परिचालन शुरू किया था। तो तांबे की मुद्राओं का जो परिचालन स्टार्ट करा था वो किसने करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मदर मोहन, विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी, सबसे भारी पक्षी कौन है जो अभी भी जीवित है, वो है आपका ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग। मदर मोहन मालवीय ने इरविन और गांधी जी को दो आत्मा कहा है। दो आत्मा इरविन और गांधी जी को किसने कहा था, उसका नाम बताइए, उसका नाम है मदन मोहन मालवीय। आगे हम बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन है, तो वह है आपके चंद्रशेखर आजाद। सिखों के दसवें और आखिरी गुरु कौन है, तो इसकी बात करें जाए अगर दसवें और ये आखिरी गुरु थे, इनका नाम है आपका गुरु गोविंद सिंह। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक का नाम बताइए, तो हॉटमेल क्या है, एक ईमेल सेवा थी और उसके संस्थापक कौन थे, उनका नाम क्या, उनका नाम है आपका सबीर भाटिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबीर भाटिया। आगे बात करते हैं हम लोग, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। और ध्वनि सबसे तेज इस्पात में संचलन करती है, मतलब चलती है। विटामिन के अभाव के कारण क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। थक्का मतलब ब्लड की क्लोटिंग नहीं बनेगी। और अगर एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो ये कहानी मैंने आपको बताई थी पिछले काफ़ी सारे वीडियो में, तो कि अगर इन केस एक्सीडेंट अगर हो जाता है, किसी बॉडी में से बहुत ज़्यादा ब्लड बहना स्टार्ट होता है, तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहले इंजेक्शन के माध्यम से उसके बॉडी में विटामिन के की मात्रा बढ़ा देते हैं, तुरंत खून जो होता है जमना स्टार्ट हो जाता है, मतलब खून बहता नहीं है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसएलवी का फुल फॉर्म आप ये कर लीजिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्लासी का युद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो वो थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशनल डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को।
भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ को लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था, स्टार्ट करा था। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का, और कमरे के सामान्य ताप पर पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? तो वो होता है 5.5 घंटे, ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय में डिफरेंस। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का पादप कोशिका का पावर हाउस होता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर आपका होगा ये। ठीक है, विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है, और विटामिन सी से होने वाला जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है आपका स्कर्वी। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है, कौन से? तो वो है आपके रक्त को प्रभावित करता है, और ये रोग किस प्रकार का है एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है। तो ये है आपका वंशानुगत रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलते रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और अगेन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके की बुक को आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। उस बुक के माध्यम से आपका बेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपने जितने भी क्वेश्चन ये अभी देखे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करने में, सुनने में, देखने में मज़ा आएगा। अगर आप वीडियो से वॉच करना चाहते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से भी लूसेंट जी के वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।